सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज का जो ब्लॉग है वो है कि मेरी ये जो किचन है मॉड्यूलर किचन, तो इसकी टोटल कॉस्ट क्या है। तो एक एक चीज का जो प्राइस है वो मैं आपको बताती चलूंगी। एक्चुअल में जब मैं ये देखने के लिए आई थी घर, जब मैंने चार बार देखा, पांचवी बार में हमने फिर इसी को डन किया, क्योंकि हर बार मुझे ये घर पसंद आया था और बहुत ही पॉजिटिविटी है इस घर में और बहुत अच्छा है। मतलब खुला है, धूप बहुत अच्छी आती है, जो स्पेशली अच्छा लगता है मुझे। और सुबह उठते ही पर्दे वर्दे सब खोल देती हूँ मैं, तो बालकनी से सारे रूम की जितनी भी खिड़कियां हैं तो अच्छी खासी धूप आती है और काफी पॉजिटिव है। सो यही घर मुझे बहुत पसंद आया था। और जब मैं आई थी तो ये किचन मतलब एकदम लाइक यहाँ पे, तो खैर अभी मैंने ये स्लाइडिंग लगवाई है, स्लाइडिंग तो मैंने पूरे ही घर में हर जगह लगवाई है। यहाँ पर वो जो ऐसे दो वाले जो दरवाजे वाली खिड़की होती है, यहाँ वो थी। पूरा कैसे कन्वर्ट करवाया, कैसे आइडिया लगवाया, क्या कॉस्ट पड़ा क्या नहीं पड़ा, फ्रिज कितने का है, बहुत सारे जो ये क्वेश्चंस आते हैं, ये क्वेरीज आती हैं, हर वीडियो के नीचे एक कमेंट जरूर होता है कि आपके किचन की कॉस्ट क्या है। मैंने एक एक चीज अपनी पसंद से मार्केट से खरीद के ला के कारपेंटर को यहाँ दी है, बनवाया है। और जैसा जैसा मेरा ड्रीम था, तो ये मेरा ड्रीम किचन है। तो एक जो हाउसवाइफ होती है, एक जो लेडी होती है, तो उसका जो घर होता है उसमें सबसे ज्यादा जो समय बीतता है एक लेडी का, वो होता है किचन। ऐसी मेरा भी है। तो मेरा एक सपना था, एक ड्रीम था कि मेरा एक ड्रीम किचन हो, जो ये है। और मुझे बहुत प्यार है अपने किचन से। तो उसके बाद में जब मैंने उनसे कॉस्ट लिया और मैंने जहां पैकेज मतलब दे के जो बनवाते हैं कि हाँ, अगर सपोज लाइक 7 लाख अगर वो पैकेज देते तो इसमें पूरा आपको पूरा कंप्लीट करके देंगे, तो ये तो फिर बहुत ही ज्यादा हाई हो गया और वो बजट से ऊपर नहीं, बहुत ज्यादा ऊपर जा रहा था, वैसा हो नहीं पाया। तो फिर वही दिमाग लगा के फिर कारपेंटर को घर में रख के और पूरा जैसे आइडिया देके बनवाया। तो वो क्या है, बजट से ऊपर तो गया है, बट हाँ इतना नहीं कि 7 लाख 8 लाख 10 लाख गया, ऐसा नहीं। तो बस कारपेंटर को पूरा समझाया और अपने आइडियाज लगाए और तब जाके ये जो ड्रीम किचन जो आपको इतना पसंद आता है वीडियो में, जो मेरा ड्रीम किचन है, वो कम्प्लीटली पूरा बन पाया है मेरे हिसाब से। तो बस देरी नहीं करती हूँ ज्यादा, स्टार्ट करती हूँ। अब जैसे कि स्टार्ट कर रही हूँ मैं फॉल सीलिंग से, तो यहाँ बहुत ही सिंपल सी एक ट्रे मैंने फॉल सीलिंग की बनवाई है। कोई बहुत ज़्यादा जैसे हाईफाई डिज़ाइन नहीं बनवाया मैंने। एंड यहाँ पर जो है वो वार्म लाइट लगवाई है, जो स्ट्रिप लाइट होती है। इस लाइट को जलाने के बाद मैं कैमरा फोकस नहीं करता, इस वजह से ऐसा आपको दिख रहा होगा। तो फिलहाल मैं इसको बंद कर रही हूँ, बस अंदर में स्ट्रिप लाइट लगाई हुई है। और ये जितनी भी फॉल सीलिंग की ये लाइट दिख रही है आपको, ये सारी की सारी 3 टोन में जलती है। लाइक जैसे कि वाइट जल रही है, सॉरी ऑफ वाइट जल रही थी, अब ये वाइट जल रही है, फिर उसी को बंद करके चालू किया तो ये वार्म जल रही है। तो इस तरीके से 3 टोन में जलती है सारी की सारी। वार्म, तो वार्म से काफी अच्छा लुक आता है। तो ये तो हो गया फॉल सीलिंग का। और ये वाली जो लाइट जल रही है, ये है प्रोफाइल लाइट। तो लाइट्स में अगर कॉस्ट में बात करूं तो सबसे महंगी यही लाइट है, जो पाइप टाइप की ये लगी हुई है। तो ये एल शेप में लगी हुई है, यहां नीचे से लेके पूरी वहां कॉर्नर तक, क्योंकि इस एरिया में भी इसको लाना था लाइट को। लाइक जैसे कि ये ऊपर तक है, तो इसको यहाँ से ऐसे नीचे उतार के यहाँ तक लाना था इसको। बट ये थोड़ी सी जैसे कि बैलेंस नहीं है, वॉल थोड़ी टेढ़ी है
और लाइट बिल्कुल जैसे टेढ़ापन आ रहा था, लाइट में इक्वल नहीं थी। तो फिर मैंने कहा कि ठीक है, फिर इसको एल शेप में ही लगाते हैं। और ये जो है हैंगिंग्स, तो ये मैं जो कोलकाता में पोद्दार कोर्ट है वहाँ इन सब चीज़ों का बहुत कलेक्शन रहता है। और अगर आप अच्छी क्वांटिटी में सामान हैंगिंग्स एंड ऑल खरीदते हैं तो आपको काफ़ी किफ़ायत पड़ता है और पैसे भी आपके बहुत सही लगते हैं, मतलब कुछ बचता भी है। तो ये जो हैंगिंग्स हैं इनकी प्राइस है जस्ट 4 रुपीज़ 700 ईच, बट देखने में कितने एक्सपेंसिव लगते हैं। और इसमें भी वॉर्म लाइट लगाई हुई है, मैं आपको अंदर से दिखाती हूँ। फोकस नहीं ले रहा है कैमरा, बट वॉर्म लाइट ही लगा रखी है। तो ये हैंगिंग्स है 700 700 1400। तो इससे क्या है कि ब्लैक वाला जो तार दिया हुआ है इससे आप अपना बैलेंस करके लगा सकते हैं कि कितना नीचे कितना ऊपर आपको लगाना है। सो ये हो गई हैंगिंग्स। ऊपर का जो कैबिनेट है, तो जैसे कि ये चिमनी लगी हुई है तो चिमनी ऊपर तक है, और मैंने ये पुश बैक वाला लॉक लगवा रखा है इसमें, जस्ट पुश एंड ओपन। तो चिमनी वहां तक है और उसका जो ये पाइप है, तो चिमनी का पाइप तो कितना ज्यादा मतलब हैवी होता है, मोटा होता है, तो वो यहां से जा रहा है एंड यहां से भी जा रहा है और उसमें जाके ये वाले कैबिनेट में जाके पूरा बाहर निकल रहा है। तो ये तीनों जो है वो पूरे कवर हो गए हैं, तो इसमें मैं ज्यादा सामान रख नहीं पाती हूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ क्योंकि चिमनी लगी हुई है और चिमनी जरूरी भी है इसलिए। फिर जगह मेरे किचन में बहुत है बट फिर चिमनी जरूरी है लगाना। और यहां पर बर्तन वगैरह, जैसे कि घर में जो पूजा पाठ होता है उसके लिए बर्तन मैंने ऊपर अलग से रखा हुआ है, जिनमें भगवान जी के लिए भोग बनता है, या फिर बड़ा कोई बर्तन मेरा जो है वो नीचे रखने की इतनी जगह नहीं है तो वो ऊपर रखना है उस हिसाब से। तो इसमें और उसमें बर्तन ही है अभी, जो कि किचन में जैसे कि बड़ा बड़ा बर्तन होता है तो वो मैंने ऊपर रखा हुआ है। और ये वाला जो सेक्शन है, तो ये आप डेली ही देखते हैं, इसमें अंदर ये जस्ट खोला छोड़ दिया और हाइड्रोलिक से स्टैंड हो गया। तो यहाँ जैसे लाइक ड्राई फ्रूट्स हैं, चाय पत्ती, चीनी, नमक, डेली बेसिस के लगने वाले सामान जो जस्ट खोलो निकालो और यूज करो, तो वो सब यहाँ रखे हैं। अंदर में एक्स्ट्रा चाय पत्ती वगैरह जो है, क्योंकि अंदर तक काफी जगह है इसमें, वहां अंदर तक, तो फिर इस तरीके से सामान यहाँ लगा रखा है। एंड यहाँ पर जो है वो व्हाइट नहीं है, ब्राउन वाला ग्लास लगा हुआ है, देखने में काफी अच्छा लगता है। यहाँ भी सेम वे में वही है, हाइड्रोलिक लगा हुआ है एंड इस हाइड्रोलिक की जो कैपेसिटी है वो है 10 kg। तो ये IFB का ओवन है एंड 25 लीटर इसकी कैपेसिटी है। और ये ओवन ही है, यानी कि ये OTG वगैरह नहीं है। तो बस मेरा जो वहाँ ओवन था वो काफी बड़ा था जो यहाँ नहीं आ पा रहा था, तो बस फिर मैंने ये छोटा वाला लिया है। तो ये सेक्शन जो है वो सिर्फ ओवन के लिए ही है, काफी इजी है, जब भी गरम करना होता है ओवन खोलते हैं, गरम करते हैं एंड इसको बंद कर देते हैं। तो ये सिस्टम मुझे इसका काफी अच्छा लगता है कि जस्ट इसको ऐसे करके छोड़ो और ये खुद ब खुद ओपन हो जाता है, तो इजीली चीजों को गरम कर सकते हैं, सामान निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से ये बनाया है। और इस सेक्शन में ये डेली यूज के जो चावल होते हैं वो रखे हैं, ठंडाई रखी है, सीड्स वगैरह हैं, तो यहाँ वो सब सामान रखा है। जस्ट लाइक मैंने सोचा था कि यहाँ ऊपर में जैसे प्लांट्स वगैरह जो सजाने के होते हैं वो मैंने ही मना किया था यहाँ पर, कि बंद करने वाला कैबिनेट का इसका जो डोर होता है वो नहीं बनाना है, तो बस इसको मैंने ही ओपन रखवाया है। इन फ्यूचर कोई प्लांट्स वगैरह लगा के मैं इसको सजाऊंगी जैसा मैंने सोचा है। और ये मेरा मिक्सर ग्राइंडर है जो मैंने यहाँ गृह प्रवेश से पहले ही मैंने खरीदा था, क्योंकि वो वाला मिक्सर ग्राइंडर जो है वो पूरा ही खराब हो चुका था, बहुत बार बनवा चुकी थी उसको मैं। तो ये हेवेल्स का हाइड्रो का है, 750 वॉट का है
और 6,500 रुपए इसकी प्राइस है। काफी अच्छा है, मोटर स्पीड भी बहुत अच्छी है इसकी। तो एक जार तो ये है इसका एंड दो जार मैंने यहां रखे हुए हैं क्योंकि यहां भी जगह बनवाई है। मैं आपको सामने से दिखाती हूँ, वहां भी ग्रेनाइट लगा के जगह बनाई हुई है। ये देखिए, तो यहां जार रखा हुआ है और वहां अंदर तक जगह है। और ये जो ग्रेनाइट है वो जो मेरे काउंटर टॉप पर है वो नहीं है, ये थोड़ा जैसे कि ब्राउनिश टाइप में जो कत्थई कलर बोलते हैं वो है, तो वही सेम वहां भी रख दिया है। तो कुछ भी सामान वगैरह रखने में काफी इजी रहता है। और किचन में भी मेरे जो स्लाइडिंग ये लगी हुई है यहाँ पर, तो यहाँ भी एक नेट का मैंने लगा रखा है, तो खाना बनाने में काफी सुविधा होती है, गर्मी भी नहीं लगती है, मच्छर भी नहीं आते हैं, हवा भी आती रहती है। तो यहाँ भी मैंने ऐसे ही बनवाया है। और ये वाला जो रोटी बनाने का चक्रा है, तो ये मैंने बनवाया है सेम मेरे जो काउंटर टॉप पे ग्रेनाइट है, ये मैंने मिस्त्री से ही बनवाया है, यानी कि जो मार्बल मिस्त्री यहाँ पर काम कर रहे थे बस उन्हीं से मैंने ये बनवाया है, जो मेरा ग्रेनाइट बच गया था। और ये जो फ्रिज मेरे किचन में जो मैंने ली है, तो ये 4 डोर वाली है हायर की है और 600 लीटर इसका कैपेसिटी है और अप्रोक्स 76,000 रुपीज की ये फ्रिज है। काफी स्पेस है इसमें, ये जो फ्रिज है ये पूरा 4 डोर वाला है और स्पेस अच्छा खासा है इसमें। तो इसकी कॉस्ट है 76,000 रुपीज। और ओवन की जो कॉस्ट है वो है 16,500, 25 लीटर का IFB का ओवन है मेरा। गैस चूल्हा से पहले आपको एक चीज दिखाती हूँ जो कि मतलब मेरे बहुत ज्यादा काम की चीज है, और जैसे कि कुकिंग करते हैं तो रिंग लाइट एंड ऑल पूरा लगा के मैं किया करती थी, इतनी लाइटिंग नहीं थी, डिम लाइट थी बिल्कुल। तो सबसे ज्यादा जो मुझे काम में चीज लगती है वो है गैस चूल्हे के पास में, यानी कि किचन में जो लाइटिंग है वो। फिलहाल ये जो छोटी जल रही है, अगर जरूरत हो तो ये छोटी भी जला के काम होता है, और अदरवाइज यहाँ पर प्रोफाइल लाइट है, तो इससे अच्छी खासी जो लाइटिंग है वो बर्तनों में पड़ती है, तो जैसे अच्छा दिखता है। आप लोग मेरे वीडियोस देखते हैं और बहुत सारे ये कमेंट भी आते हैं कि आप मतलब क्या रिंग लाइट से आप शूट कर रहे हो, क्या लाइट आप उसमें दिखा रहे हो, काफी क्लियरिटी अच्छी है। तो वो यही सब है, प्रोफाइल लाइट की जो लाइट पड़ती है वो काफी अच्छा लगता है और वीडियो की क्वालिटी बहुत ही अच्छी लगती है, रिच क्वालिटी लगती है। और ये जो मेरा गैस चूल्हा है ये 4 बर्नर का है, 4 चूल्हे की गैस है, फेवर कंपनी का है, बहुत अच्छा है, मैं यूज कर रही हूँ इतने समय से, यानी के जब से यहाँ शिफ्ट हुई हूँ, तो एक साथ में काफी चीजें बन जाती है और यहाँ से जो स्पेस दिया हुआ है तो वो काफी अच्छा है, बर्तन आपस में भिड़ते नहीं है। और इसकी कॉस्ट है 9,500 रुपये, टफन ग्लास है, बहुत अच्छी क्वालिटी है। और अब आती हूँ इस सेक्शन में, तो ये है बार काउंटर, और फिलहाल मैंने यहाँ पे बॉटल्स वगैरह रख रखी है और काफी काम में आता है खाना पीना बनाने में, जैसे कि यहाँ भी बहुत सारे काम हो जाते हैं। और इसी में अटैच है 2 ड्रॉर्स, और ये जो ड्रॉर है तो इसमें जो एक्स्ट्रा सामान है, पापड़ है, बादाम, काजू, चने और ये सब जो ऑयल वगैरह, दालचीनी, तो एक्स्ट्रा जो राशन है वो इस ड्रॉर में है। सेकेंड जो ड्रॉर है उसमें भी एक्स्ट्रा काफी सामान रखा हुआ है, लाइक ये बासमती चावल है, ज्यादा मुझे लगते नहीं है, फिलहाल मैंने डब्बे में नहीं डाले हैं, रिफाइंड स्कॉच ब्राइट, बिस्किट्स वगैरह, मेरा सबसे फेवरेट जो ये है चॉपर, वो फॉइल पेपर, क्लीन फिल्म, तो ये कुछ एक्स्ट्रा सामान इस ड्रॉर में है। यहाँ नीचे यहाँ पूरे जैसे कि दाल के डब्बे और एक्स्ट्रा सामान, दाल के डब्बे, कुकर, बड़ी वाली कढ़ाई, तो बड़े बर्तन जो हैं वो भी यहाँ नीचे हैं, और खाने पीने का जो सामान वगैरह है वो यहाँ पे रखा हुआ है, तो यहाँ भी इस तरीके से काफी सामान यहाँ भी आता है, तो काफी सही है और जगह भी बहुत है, मतलब अंदर तक डीप है पूरा।
और अब ये वाला जो सेक्शन है, यहाँ तो जो आपको प्याज की जुड़ी वगैरह दिखाई थी, तो प्याज, आलू और आटे का टीन, एक्स्ट्रा राशन का टीन ये है, और यहाँ पर है सिलेंडर, यहाँ सिलेंडर, और यहाँ पे आटा वगैरह जो एक्स्ट्रा राशन वगैरह है वो, तो स्पेस अच्छा है और बंद भी कुछ क्रॉस वाइज ही होता है, पहले ये बंद होगा उसके बाद ये बंद होगा, सो स्पेस अच्छा है इसमें। और ये वाला जो ड्रॉर है तो इसमें बर्तन, कटोरियां, बाउल वगैरह रखी हुई हैं, और ये ग्लास वगैरह, चाय, ये सब ढकने के लिए, तो ये इसमें ये है। और नीचे वाले में है एक छोटा हॉट पॉट रखा हुआ है, एंड कप वगैरह है, काफी ग्लासेस हैं, फिलहाल अभी ऐसे ही रखा हुआ है मैंने। और एकदम नीचे वाले में प्लेट वगैरह है, आटा मारने के लिए परांगी भी बोलते हैं इसको, परात बोलते हैं, थाली है, तवा है, ट्रे है, तो इसमें ये सब है। इसी तरीके से यहाँ नीचे में छोटी छोटी प्लेट्स और कढ़ाई के जो ढक्कन है तो वो इसी तरीके से रखे जाते हैं, तब फिर ये बंद ही होता है। और इसी तरीके से ये है, तो इसमें जैसे कि स्पून है, फोक, और यहाँ नाइफ का पूरा सेक्शन है, चाकू और आलू छीलने वाला जो ये पिलर होता है वो, कैंची किचन के लिए, ये डाइनिंग टेबल के सेट के साथ ये कुछ चम्मच जो होती है वो, जिससे मैं खाना पीना बनाती हूँ, पिज्जा कटर एंड ऑल, लाइटर, बीटर, तो यहाँ ये पूरा सेक्शन है, ये ट्रे तो आती है। और इसी तरीके से सेकंड वाले में भी बर्तन ही है। और यहाँ जो है वो हल्दी, धनिया, मिर्ची, यानी कि मसाले के पूरे डब्बे हैं ये, तो ये डब्बों के लिए भी कमेंट सेक्शन में आया था कि लिंक शेयर कर दीजिए, मगर मैंने ये लोकल मार्केट से लिए हैं, ऑनलाइन से नहीं मंगाए हैं, तो ये बहुत ही इजी पड़ता है, निकालो सामान, डालो और रखो। और ये मेरे किचन की सिंक है जो ग्रेनाइट की है, मैंने ये वाइट लगाई है, यानी कि ऑफ वाइट, आर्टन ब्रांड की है, और 4,200 रुपये इसका प्राइस है। है तो अच्छी, बट ये है कि इसका माइनस पॉइंट मुझे ये लगता है कि वाइट है तो खाने में हल्दी वगैरह भी रहती है, सब कुछ जैसे खाना जैसे बनता है, बर्तन धुलते हैं, तो फिर ये जैसे पीली पड़ने लगती है, कभी कभी थोड़ी जैसे डार्क ब्राउन टाइप की होने लगती है, तो इसको आला से क्लीन करती हूँ मैं, जैसा कि आपने व्लॉग में देखा ही है। और ये वाला जो नल है किचन का, टैप, ये जैगवर का है, और इसका प्राइस है 4,200 रुपीज। तो मैंने जैगवर का लगाया है, और ये जो आप देख रहे हैं तो इसी से कनेक्टेड है एक्वा गार्ड, जो कि ठीक सिंक के नीचे है, और ये इस तरीके से है, स्टार्ट करो तो पानी इसी में से आता है, और बस मैं आपको दिखाती हूँ कि वाटर प्यूरिफायर मैंने कहाँ सेट करवाया है। और यहाँ सिंक है, और सिंक के ठीक नीचे यहाँ वाटर प्यूरिफायर है, तो वो रहा एक्वा गार्ड लगा हुआ है, और उसकी ये मशीन है फिल्टर वाली, तो वहीं से सिंक का पाइप भी जा रहा है, और सेम जो टाइल्स नीचे लगी हुई है वो भी यही है, बस ये है कि यहाँ थोड़ा काम वगैरह हुआ है तो इस वजह से थोड़ा जैसे कि स्पॉट वगैरह आ गया है जब मिस्त्रियों ने काम किया है। यहाँ का मैंने आपको दिखाया, और ये भी है पुश बैक वाला, ये जो लॉक है ये मैंने लगाया है, तो मैंने जो आपको बताया कि चिमनी का जो पाइप है वो यहाँ से जाके पूरा बाहर तक गया है, तो ये जो तीन कैबिनेट है, ये तीनों कैबिनेट मतलब चिमनी के पाइप की वजह से इतने ज्यादा ऑक्यूपाइड हो गए हैं कि सामान ज्यादा मैं इसमें, इसमें और इसमें रख नहीं पाती हूँ, क्योंकि चिमनी का जो पाइप है बहुत ब्रॉड है, चौड़ा है, और जगह काफी घेरता है, तो बस वही दो जगह मैं रख पाती हूँ, हल्का सा सामान मैंने रखा है, बाकी सब नीचे रखती हूँ मैं। और ये जो चिमनी है तो ये सेंसर वाली है, स्लो, मीडियम, फास्ट, ऑन ऑफ का बटन भी है, और सेंसर वाली भी है, और यहां से भी आप इसको मैनेज कर सकते हैं, क्लीन करने का भी इसमें बटन है,
क्लीन का बटन अगर दबाते हैं तो ये ऑटोमेटिकली अंदर से क्लीन होती है। और ये वाला जो सेक्शन है चिमनी का, ये अंदर जो सेक्शन है वो तो खैर आप सबके जिनके भी घर में चिमनी है सभी को पता है कि उसको निकाल के वो जो ऑयल एक्स्ट्रा जो रहता है वो उसमें आ जाता है, तो बस उसको क्लीन करके लगा देना होता है, वो भी महीना डेढ़ महीना में कोई एक बार। तो यही इसका सिस्टम है, सेंसर वाली चिमनी है। और मेरे किचन में जो ये चिमनी मैंने लगवाई है और वाटर प्यूरिफायर, तो ये असेंबल किया हुआ है, यानी कि जैसे कि बहुत बड़ी बड़ी ब्रांड की चिमनी आती है, वाटर प्यूरिफायर आता है, बट ये असेंबल किया हुआ है, इसलिए प्राइस भी मुझे बिल्कुल सही मिला है और चीज भी बहुत अच्छी है। तो ये जैसी मेरी घर में आपने फ्लोरिंग देखी है उससे जरा सी मैंने हटके लगाई है, तो ये मैट टाइल्स है, ये है नीचे की फ्लोरिंग। और ये वाली जो टाइल्स आप देख रहे हैं काउंटर टॉप के पास में, तो यही टाइल्स मेरे पूरे घर में रनिंग में है फ्लोर में, तो बस वही मैंने सेम यहाँ दी है। और इसमें थोड़ा बेज कलर भी है, उसी के हिसाब से नीचे के कैबिनेट में बेज कलर दिया है, जस्ट थोड़ा गोल्डन टाइप का बेज है एंड ऊपर व्हाइट दिया है, तो इसका कॉम्बिनेशन काफी अच्छा लगता है देखने में और काफी खूबसूरत भी लगता है। और स्विच बोर्ड भी जो है वो भी मैंने जस्ट लाइक बेज गोल्डन कलर में ही लगवाने हैं। और ये जो आप लैमिनेट देख रहे हैं व्हाइट कलर का और नीचे भी जो बेज कलर का है, किचन में जितना भी काम है, इनफैक्ट मंदिर में भी, क्रॉकरी यूनिट में भी, ये सारा पीवीसी है। तो जहां पानी का काम ज्यादा होता है, लाइक किचन में हमारे सबसे ज्यादा पानी का काम होता ही है, तो वहां पीवीसी इज द बेस्ट, बहुत अच्छा है। बस इसमें एक चीज का ध्यान रखना है कि जरा सा भी जैसे ज्यादा हीट लगता है, लाइक मंदिर में लगाया है तो दिया जलाया या दीपक जलाया, जरा सी माचिस भी गिर जाती है तो फट से जल जाता है ये, मतलब पूरा ही पोर्शन जला हुआ दिखता है, तो उससे थोड़ा इसको ध्यान रखना पड़ता है। और इसमें एक ध्यान देने वाली चीज ये भी होती है पीवीसी में स्पेशली, कि आप स्कॉच ब्राइट या फिर वो जो बर्तन धोने का लोहे का तार या कोई भी हार्ड स्क्रबर, उससे आप इसको क्लीन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जिन्होंने मुझे ये किचन रेडी करके दिया है, कारपेंटर्स और एक्सपीरियंस्ड हैं वो लोग, तो उन्होंने ही मुझे बताया है कि पीवीसी को सबसे अच्छा तरीका है क्लीन करने का, कि जो शैम्पू आता है, फिर आप एक पाउच ले लो, जरा सा शैम्पू ले लो, पानी में घोल के स्पॉन्ज जो होता है तो उससे क्लीन करके, और इजीली ये क्लीन होता भी है, उससे इसकी सेल्फ लाइफ भी बहुत बढ़ जाती है और काफी सालों तक ये सही भी रहता है। तो वही है कि चीजों को थोड़ा अगर संभाल के रखे तो वो फिर ज्यादा समय चलती भी है। तो अब बात करती हूँ कि मेरे इस ड्रीम किचन की कॉस्ट मुझे क्या पड़ी है, पूरा रेडी करने के बाद, एक एक चीज पूरी बनवाने के बाद क्या कॉस्ट पड़ी है। अप्लायंसेस की बात अभी मैं नहीं करूंगी, वो अलग है और उसका जो खर्चा है वो भी अलग है। जस्ट अभी मैं किचन यानी कि कैबिनेट, ये जो पीवीसी लगवाया है लैमिनेट, ये बार काउंटर और किचन काउंटर, गैस चूल्हा का मैंने आपको अलग से बताया, तो गैस चूल्हा, चिमनी, एक्वागार्ड, ओवन एंड फ्रिज, यानी कि जो मेरे अप्लायंसेस हैं उनको छोड़ के ये पूरा किचन मुझे 2,80,000 रुपए का पड़ा है। और जो लाइटिंग है किचन की वो अलग है, वो मुझे पूरे 12,500 रुपए की पड़ी है सिर्फ लाइटिंग, क्योंकि किचन में मुझे स्पेशली लाइटिंग करनी थी, तो जब अपना ड्रीम किचन चाहिए तो थोड़ा तो खर्चा होगा भी, और अगर मॉड्यूलर किचन बनाने के लिए जाएंगे तो ऑब्वियसली खर्चा होगा ही होगा। तो ये मेरे किचन की कॉस्ट है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि फ्रिज मेरी 76,000 की है, ओवन 16,500, चिमनी एंड वाटर प्यूरिफायर 30,500 रुपीज। तो ये दोनों चीजें यानी कि वाटर प्यूरिफायर और चिमनी मुझे बहुत ही सही प्राइस में मिल गया है, और है भी अच्छा, इजी टू यूज है, और पानी का जो TDS है वो भी 57 है, यानी कि बिल्कुल परफेक्ट लेवल पर है। क्योंकि देखिए आजकल इतना महंगाई का जमाना है कि अगर हम चाहें कि हाँ भाई 30,000 या 50,000 के अंदर ही मॉड्यूलर किचन बन जाए,
नॉट पॉसिबल, नहीं हो सकता है। आजकल कुछ नहीं हो सकता है क्योंकि महंगाई बहुत है, इसलिए ये शब्द मैं बोल रही हूं कि अपना अगर कुछ सपना होता है, अपना ड्रीम है कि ऐसा बनाना है वैसा बनाना है, तो उसके लिए खर्चा तो लगता है। तो इसलिए ये मेरे किचन की कॉस्ट है और टोटल कॉस्ट मैंने आपको बताया, एवरीथिंग सब कुछ मैंने आपको दिखाया। तो चलिए, आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा और किचन जैसा मैंने सजाया, जैसा जितना मैं कर पाई अपने आइडिया से, तो कैसा लगा आपको मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए, इसी के साथ आ गई हूँ इस वीडियो के एंड पर, मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।